हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन। मटन को साफ धो लिया है, गैस पे कुकर चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, तेज़पत्ता डालेंगे, प्याज डालेंगे, चार प्याज मैंने काटा था। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गई है, गोश्त डालेंगे, गोश्त को डाल के भून लेंगे अच्छे से, इससे गोश्त का जो पानी है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब डालेंगे एक छोटी कटोरी अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट डाल के अच्छे से गोश्त को भून लेंगे। कुछ मसाला लिया है मैंने पिसा हुआ, 2 चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। मसाले को गोश्त में डाल के भून लेंगे। गोश्त अच्छे से भुन गया है, दही डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अच्छे से भून लेंगे दही के साथ। ढक्कन ढक के लो फ्लेम पे गोश्त को भूनेंगे 10 मिनट। अच्छे से गोश्त भुन गया है मसाले के साथ, मसाला भी अच्छे से भुन गया है, तेल छूटने लगा। पानी डालेंगे, जितना आपको सालन रखना उतना पानी डालिए, जिससे गोश्त अच्छे से गल जाए और सालन रह जाए। कुकर की लिड लगा देंगे। 3 सीटी आने पर गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया था। ये देखिए मटन तैयार है, टेस्टी चटपटा, मिनटों में बनाया है, कम टाइम में, आसान तरीके से। अगर आपको मटन की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरीके से ट्राई कीजिए कम टाइम में आसान तरीके से।